हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 11 और हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट टू अकाउंट में 1, नोट नंबर में। तो आपको ये 1, अब ये अमाउंट कोई काम का नहीं है आपका, अब आपको नोट टू अकाउंट में आना होगा। ओके, फिर शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, फिर ये अमाउंट कोई काम का नहीं है, आपको नोट टू अकाउंट में जाना होगा। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 8% डिवेंचर, करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर आपका कितना है? 3 है। तो आपको नोट टू अकाउंट में वापस जाना होगा, ये अमाउंट आपका कोई काम का नहीं है। फिर एसेट में आपको नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टीज एंड प्लांट, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, फिर नोट टू अकाउंट है कि नहीं, जो भी आपका नोट नंबर 1, 2, 3, ये आपका अमाउंट काम का आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ड्यूरिंग द ईयर प्राइस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 20,000, वाज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 60,000। तो चलिए इसको भी कर लेंगे। इनकम टैक्स 45,000 वाज प्रोवाइडेड, एडिशनल डिवेंचर्स वेयर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट। चलिए इसको भी मैं करा दूंगा आपको अच्छे से। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%। चलिए आप बस फॉलो करते रहिए। पहले तो आप एक काम करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, उसके बाद आपको बनाना होगा एक वर्किंग नोट जहां हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर आपको फिक्स्ड एसेट और एक आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, तो आप एक और बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि बिना अकाउंट का हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए पहले अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट के लिए आपका टेंजिबल एसेट लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, ये रहा, ये सुनो 6,20,000, 8,60,000। तो टू बैलेंस बीडी कितना है? 6,20,000 बाय बैलेंस सीडी कितना है? 8,60,000, ये तो आ गया। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या क्या दिया हुआ है देखो, तो अच्छे से ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 60,000, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 20,000, वॉज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट पे इस डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। तो आप तो सबसे पहले लिख लो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 60,000। ओके, फिर सेल बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कितना में सेल हुआ है? सेल हुआ है आपका सोल्ड हुआ, देखो मशीन कितने का था? 60,000, 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000, तो कितना का मशीन हो गया? 40,000। अब 40,000 का मशीन सोल्ड हुआ है 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कितना हो गया? देखो 60,000 का मशीन था, ओके डेप्रिसिएशन इसमें 20,000 लग गया, ओके वाज डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000, तो आ गया ये 20,000 है 40,000। अब इसका 50% क्या हुआ है? 50% आपके सेल हुआ है, तो 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000, तो 20,000 में सेल हुआ है। ओके, यहाँ पे लिखा ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 वाज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ऑफ इट्स बुक वैल्यू, इस बुक वैल्यू पे 50% का सेल हुआ है। ओके, तो 50% कितना आ जाएगा सेल का? 40,000, ब्रैकेट में लिख लो 40,000 इंटू 50/100, तो ये कितना आ जाएगा? 50% आपका 20,000। ओके, फिर आप देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपका कितने का था? 40,000 कितना आ गया? अब 50,000 के बुक वैल्यू में सोल्ड हो गया है, सेल हो गया है 20,000 में, तो 20,000 का लॉस, बुक वैल्यू कितने का है? 40,000, 40,000 में 20,000 में सेल हुआ है, तो 20,000 का लॉस, तो बाय
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, आप मशीन लिख लो या फिर मशीनरी, ओके okay? कितना लॉस हुआ है 20,000, तो आप लिखो फिर से 20,000, तो आप यहाँ पे पहले आप करते हैं कैलकुलेशन 60 20 20, ये तो 1,00,000, तो 9,00,000, 9,60,000, तो सीधा ये तो आ ही गया 9,60,000, ओके okay? ये हो गया। अब आपको 9,60,000 माइनस 620,000, 3,40,000, तो ये क्या है टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी, हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 20,000 वाज सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट 60,000, तो आपको डेप्रिसिएशन ये 60,000 वाला लिखना होगा पहले तो, ओके okay. और सेल के लिए आपको बुक वैल्यू का 20% में सेल हुआ है तो था 40,000 का और 20,000 में सेल हो गया 50%, 40,000 का 50% कितना होगा 20,000 होगा, और 20,000 में सेल हो गया तो 20,000 का लॉस हो गया, ये समझ लो। तो ये लॉस मैंने लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, परचेज आ गया 3,40,000, ओके। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स कर देते हैं, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं, ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ, बाय बैलेंस बीडी 40,000 टू बैलेंस सीडी 50,000, ओके। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स 45 वाज प्रोवाइडेड, तो आप लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविजन वाला आपको यहाँ पे लिखना होगा 45,000, तो प्लस करो 85,000, ये आपका 85,000, और इसको माइनस करो 35,000, ओके। तो ये क्या आ गया आपका टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में टैक्स पेड, ओके। तो क्लियर, टैक्स पेड कितना 35,000, चलो। तो हम लोग का अकाउंट तो बन चुका, अब हम लोग बनाएंगे ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें फाइंड आउट करना है तो हमें बनाना होगा। आप लिखो क्या कहा दिया हुआ है, कौन सा चाहिए होता है हम लोग, ये वाला सरप्लस, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, और फिर आपका ओपनिंग लेस ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो कितना अमाउंट है, अमाउंट आपका है 1,50,000 ब्रैकेट में है, ओके, ब्रैकेट में है 1,40,000, तो आप ही सोचो ये माइनस लेस और ये लेस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस होके 2,90,000 आ जाएगा, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी निकाला हम लोगों ने, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000, कहां से आया 45,000, जी हाँ यहां से, यही तो है प्रोविजन, यही तो है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब 45,000 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है, ये वाला इनकम टैक्स 45,000 वाज प्रोवाइडेड, तो ये आ गया। फिर आपका जनरल रिजर्व भी है, तो हमें जनरल रिजर्व भी लिखना होगा, आपका जनरल रिजर्व कितना 1,20,000 से 1,50,000, तो आप लिखो जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा 30,000, प्लस करो सबको 2,90,000, 3,20,20,30,40,50,60,65,000, 3,65,000, तो आप इसको लिखो 3,65,000, ओके। तो हमारा हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया 3,65,000 ओके चलिए अब आते हैं हम अपने मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओके जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं वर्किंग्स कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 8% लोन इसका हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है एडिशनल डिवेंचर्स वेर इशूड एट पार ऑन 1st October 2020 एंड बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डे नंबर 3rd एडिशनल इन्फॉर्मेशन का नंबर 3rd आप चलो मेरे साथ पहले एक बार कर लेते हैं इसको ओके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का नंबर 3rd वाला ओके थर्ड। तो क्या दिया हुआ है आपको ये कैसे करना होगा सबसे पहले तो आपका क्या है अक्टूबर से है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना और अक्टूबर से मार्च 6 महीना तो सबसे पहले आपको करना होगा डिवेंचर का आपका कितना दिया हुआ है ओपनिंग 1.5 लाख इंटू 8% 8/100 इंटू 6/12 तो ये पहले फाइंड आउट करो इंटू 8% इंटू 6/12 6,000 एक तो ये हो गया और फिर 2,60,000 का फिर से क्लोजिंग का करना होगा ये सुन 1.5 लाख का कर लिया 2,60,000 का तो 2,60,000 इंटू 8% इंटू 6/12 10,400 तो 2,60,000 इंटू 8/100 कहाँ से आया 8% से इंटू 6/12 तो ये आ गया 10,400 तो इसको आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा 16,400 तो ये आ गया। अब आप फिर से करो किसका बैंक लोन ये भी 8% ही है तो कितना है बैंक लोन पहला तो है 50,000 और ये भी सेम तरीके से बोला गया है 8% 8/100 इंटू 6/12 तो ये 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12 2,000 फिर 50,000 नहीं फिर आपको लिखना होगा किधर गया 40,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 तो 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12 तो 3,600 ओके तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको होगा आपको ओके आपको इस ये वाला जो दिया हुआ है इस हिसाब से करना होगा ओके क्या बोला गया है एडिशनल डिवेंचर वे इश्यूड एट पार ऑन 1st October तो 6 महीना हो गया एंड बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डे तो आपको इसे फाइंड आउट करना होगा तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बैंक लोन एंड डिवेंचर 8% अब आ जाओ आप चलो वहाँ चलाइए ठीक तो शेयर कैपिटल क्या है शेयर कैपिटल 1 तो आपको नोट टू अकाउंट में लिखना होगा शेयर कैपिटल 4 लाख 4.5 लाख से 5.5 लाख हो गया तो 1 लाख बढ़ गया तो बढ़ गया तो हम लोग भी क्या करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख देंगे एड Proceeds from issue of share capital 1 लाख फिर रिजर्व एंड सरप्लस हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको देखो डिवेंचर कितना है 1.5 लाख से 1 लाख 2,60,000 हो गया तो ये भी इंक्रीज हो गया है कि नहीं 1.5 लाख से 2,60,000 हो गया तो
1.5 लाख से 2 लाख 60 हजार, तो 1.5 लाख से 2.5 लाख, 1 लाख और 1 लाख 10 हजार, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो गया 1 लाख 10 हजार। ओके, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमें लिखना होगा इसी में, ये सब लोग, तो ये सब तो माइनस होगा। ओके, तो और एक चीज ऐड होगा जो मैं बता देता हूँ आपको, SPR, पहले इसे कह देते हैं एस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है कि नहीं, ये भी तो ऐड होगा, तो आप इसको ऐड कर लो, कितना है 10,000। ओके, ऐड वाला तो आई थिंक हो गया है, अब करो लेस। लेस तो लेस में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड तो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया था ना हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400, तो 16,400 ब्रैकेट में क्योंकि लेस है। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये कितना आया था, 3,600। ओके, तो ये इधर हो गया, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर लिखो आप, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर कितना है, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख हो गया है ना, ये रहा 3 लाख से 2 लाख हो गया, तो आपका क्या हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर ब्रैकेट में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 1 लाख। फिर आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ 5% प्रीमियम, तो 5% किसके ऊपर निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है, 3 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब 1 लाख, 1 लाख का 5%, तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 5%, 5,000, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 5,000, कहां से आया 5,000 पता चल गया ना, 5,000 आपका 1 लाख का 5%। ओके, तो 1 लाख कहां से आया, ये रहा 10% प्रीमियम प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, तो 3 लाख से 2 लाख हो गया था। ओके, तो वही डिफरेंस कितना, 1 लाख। फिर और क्या आ सकता है इसमें, बैंक लोन कितना हो गया, बैंक लोन 50,000 से 40,000 हो गया, तो हम लोगों ने रीपेमेंट कर दिया, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। ओके, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। ओके, एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर और कुछ होगा तो हम लोग लिख देंगे। ओके, अभी आते हैं आगे हम लोग का इन्वेस्टिंग है, तो इन्वेस्टिंग में क्या लिखते हैं, सेल और परचेज लिखते हैं, तो क्या एसेट सेल हुआ है, जी हाँ एसेट हम लोगों ने सेल किया है, ये रहा फिक्स्ड एसेट परचेज एंड सेल, तो सेल है 20,000 और परचेज है 3,40,000। और कुछ इन्वेस्टमेंट 40 इन्वेस्टमेंट ठीक है, चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं। ओके, चलिए तो परचेज सेल, तो पहले सेल लिख लेते हैं, ऐड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना 20,000,
लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 3,40,000। ओके ये दोनों तो हो गया, और कुछ देखते हैं। स्टेट डिसेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चलिए ये रहा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 80,000 से 1,25,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब परचेज हुआ है। ओके तो परचेज हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या होता है, कितना आएगा 80,000 माइनस 125 45,000। तो आप लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 45,000, वो भी ब्रैकेट का। ओके और तो कुछ मुझे इसमें लग नहीं रहा है, आप भी देखो। ओके चलो अब आते हैं ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3,00,000। देखो यहाँ पे आया था ना 3,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओके ये तो आ गया। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो हेडिंग है। अब इसका क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन। अब आप सोचोगे सर डेप्रिसिएशन कहां से आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जी हाँ यहां से डेप्रिसिएशन 60,000। तो आप 60,000 लिखो। फिर लॉस ऑन, लॉस हुआ था एसेट बेच के तो ये भी आएगा यहीं पे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख लो या फिक्स्ड एसेट लिख लो, एक ही बात है। ओके लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और फिक्स्ड एसेट, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ प्लस होता है तो इधर माइनस होगा, ये सर नो। यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस होता है, ये सर नो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 16,400 लेस होता है, पर यहाँ प्लस होगा, यहाँ ऐड में आएगा 16,400। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना था 3,600, ये भी ऐड हो जाएगा। ओके फिर और कुछ, हाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर 5,000। ओके फिर 5,000 कहाँ से आया, ये देखो यही था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर 5,000, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। फिर और देखो 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 गुडविल, गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड कितना था 80,000 से 1,25,000 हो गया, नहीं सॉरी 80,000 से थोड़ी नहीं 40,000 से 15,000 हो गया, तो आपका 25,000। ओके ये गुडविल कितना है 40,000 से 15,000 हो गया, तो 25,000 हो गया। चलो और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, अब और एक काम करते हैं, इधर देखते हैं और कुछ हो तो। अब देखते हैं इधर क्या क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ये सब में, इसमें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो कुछ है नहीं, तो इसको इधर आ जाएगा। फिर डिक्रीज इन करेंट एसेट, ट्रेड पेबल इंक्रीज, मतलब करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी ये वाला है। ओके इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल
ट्रेड पेएबल कितना आ जाएगा, 10,000। ओके, ये रहा 1,10,000 से 20,000 हो गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 10,000। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना, 1,00,000 से 1,95,000, तो आप लिखो 1,95,000 इन्वेंट्रीज, 1,95,000, 1,00,000 से 1,95,000 हो गया 95,000 ब्रैकेट में, क्योंकि आपका क्या है लेस है। ओके, टैक्स पे 35,000 कहाँ से, यहाँ से, हो गए, तो आपका ये हो गया। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 365,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 16,400 प्लस 3,000 प्लस 24,000 4,95,000, तो ये आ गया 4,95,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसको इसको प्लस करते हैं, प्लस 10,000 माइनस 95,000 माइनस 35,000 3,75,000, तो 3,75,000। ओके, तो ये कितना आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया, चलो 3,75,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर हमारा मैच कर रहा है बुक के साथ। ओके, 3,75,000 पॉजिटिव, चलो फिर इसका देख लेते हैं निगेटिव कितना है, 340 प्लस 45,000 माइनस 20,000 3,65,000, तो ये भी हमारा मैच कर रहा है 3,65,000 3,65,000। ओके, तो ये निगेटिव में है, तो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, फिर फाइनेंसिंग का देख लेते हैं, 1,00,000 और 1,10,000 2,10,000 प्लस 10,000 माइनस 16,400 माइनस 60,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 85,000, तो ये आपका 85,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 85,000। ओके, चलो अब ये भी दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं एक बार, ये रहा। इसमें आपको एक चीज नहीं भूलना है, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं भूलना होगा। अब अगर आप भूल जाओगे तो आपको तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोले तो ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है। ओके, तो 25,000 और 15,000, 25, 35, 40, 40,000 हो गया आपका ओपनिंग और क्लोजिंग आपका हो जाए 1,35,000। तो आपको लिखना होगा ओपनिंग का कितना कितना है, ओपनिंग का बिगनिंग का, बिगनिंग का हो जाएगा 40। ओके, 40,000 कहाँ से आया, 40,000 आया 25,000, देखो 25,000 प्लस 15,000। ओके, तब जाके 40 आया, 25,000 प्लस 15, और एंड का है 1,30,000 और 1,30,000 और 5 1,35,000, तो 1,35,000 हो गया। अब ये क्या है, 1 + 2 + 3 ये करते हैं, तो 1 कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया, ये रहा 1, ये 1 है, तो 3,75,000 3,25,000 इन्वेस्टिंग माइनस 3,65,000 प्लस 85,000 प्लस 85,000, तो ये आ गया आपका 95,000, तो आपका ये आ गया 95,000 क्या पॉजिटिव, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95,000, तो 95,000 प्लस 40,000 मतलब 35,000, ये दोनों प्लस करके अगर आपका ये आंसर आ गया तो आपका आंसर सही है, ये आपको एग्जाम में ही पता चल जाएगा। ओके, सो ये रहा आपका क्या था, शुरू से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्टिंग, फिर
ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा वर्किंग, और ये रहा हमारा फिक्स्ड एसेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और ये रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिबेंचर 8% बैंक लोन। ओके,